गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू कैसे हो आप सभी लेट मी नो आई एम ऑडियबल एंड विजुअल क्या आप मुझे देख पा रहे हो सुन पा रहे हैं लेट मी नो आई एम ऑडियबल एंड विजुअल वेलकम टू अन अकेडमी लेट्स क्रैक यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम विध इंडिया प्लेटफॉर्म आप सभी लोगों का इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अन अकेडमी पर स्वागत है सेवन थर्टी पी एम इट ये टाइम है इन्वायरमेंट एंड टेकोलॉजी का मेरे साथ जुड़ने का सभी लोग जल्दी से फटाफट -फड़ जुड़ते जाइए यहाँ पर एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मेरे बारे में है। तो इसे हम लोग आगे बढ़ते हैं उनके साथ यदि आपकेडमी के लर्निंग एप पर हैं तो इनके बेनिफिट्स जान लो बेनिफिट्स है कि आप एजुकेटर की क्लासेस मिल है रात को ग्यारह इलेवन पी एम पर इस क्लास को भी आप ज्वाइन कर सकते हो ज्योग्राफी थ्रू सीरीज को आपको करना ये है कि आपकेडमी पर सब्सक्रिप्शन हैं तो प्लस कोर्सेज और आइकोनिक दो तरह के कोर्सेज होती है प्लस कोर्सेज है

वन सब्सक्रिप्शन अनलिमिटेड एसेस टेस्ट सीरीज क्यूजेज एंड डाउट मिल जाते हैं आपको आपको करना है लर्निंग ऐप पे जाओ वहां पे गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन उसमें रेफरल कोड प्रवीण यूज करते हो तो इमीडिएट टेन परसेंट ऑफ मिलने के साथ आपको मेरी पर्सनल मैंट्री भी मिल जाएगी यदि आप अनकेडमी में प्लस कोर्स आते हैं ट्वेल्व मंथ के लिए तो आपको पे करना होता है फोर्टी नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड आपने प्रवीण वन कोड यूज किया था तो पे करोगे फोर्टी फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड फिफ्टी रुपीज ट्वेंटी फोर मंथ के लिए आपको पे करना होता है सेवेंटी टू थाउजेंड रुपीज़ प्रवीण वन कोड यूज करते हो तो पे करते हो सिक्सटी फोर थाउजेंड एट हंड्रेड रुपीज जबकि आपको थर्टी सिक्स मंथ के लिए पे करना नाइन्टी थाउजेंड रुपीज़ प्रवीण वन कोड यूज करते हो तो पे करते एटी वन थाउजेंड रुपीज यहीं पर यदि आप आइकॉनिक कोर्सेज में आते हैं तो ट्वेल्व मंथ के लिए आपको पे करना होता है सेवेंटी फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड प्रवीण वन कोड यूज करना पे करते हो सिक्सटी सेवन थाउजेंड फिफ्टी रुपीज़ ट्वेंटी फोर मंथ आपको पे करना होता है वन लाख फिफ्टीन थाउजेंड सेवन हंड्रेड फिफ्टी प्रवीन वन पे करोगे वन लाख फोर थाउजेंड वन हंड्रेड फाइव और थर्टी सिक्स मंथ लिए आपको पे करना होता है 1, 53, 750, वन लाख फिफ्टी थ्री थाउजेंड सेवन हंड्रेड फिफ्टी रुपीज वन पे करोगे वन लाख थर्टी एट थाउजेंड थ्री हंड्रेड फाइव देखो आइकोनिक कोर्सेज में सबसे अच्छी चीज के यहाँ पे एक पर्सनल कोच आपको दिए जाते हैं इसके अलावा डेली मेन राइटिंग प्रैक्टिस भी है स्टडी प्लानर भी है पर्सनल फीडबैक भी है तो कई फीचर्स एक्स्ट्रा हैं जो आपके लिए बेनिफिशियर्स भी हैं आप प्लस आइकॉनिक कोई भी कोर्स लेते हो तो रेफरल कोड यूज कर सकते हैं और आज से आपको अकेडमी पे कई बैचेस भी हैं ट्वेंटी इन बैचेस को आप ज्वाइन करके अपने प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हैं वन ईयर ईयर के लिए कोई भी हो और आप चाहे तो कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं अकेडमी पर कॉम्बो का अर्थ हो आप ऑप्शनल और जीएस के साथ साथ में सर्स जो आइकोनिक और प्लस दोनों कोर्सेज में अवेलेबल है और यहाँ पर भी आप रेफरल कोड प्रवीण वन यूज कर सकते हैं उनके साथ ही आपको एवरी संडे एक कमिंग संडे ट्वेंटी को भी एक अकेडमिक कॉम्पेट है इस कॉम्पेट में पार्टिसिपेट कीजिए इलेवन एन के इसकी टाइमिंग है जहाँ पे आप पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको कुछ अमेजिंग प्राइजेस भी मिलेंगी ठीक है तो अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइज आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है इन्वायरमेंट एंड टिकोलॉजी सेक्शन में देखो 7:30 थर्टी पी एम पे आपका टाइम होता है इन्वायरमेंट एंड टिकोलॉजी का देखो हम लोग डिस्कस बेसिकली कर रहे हैं इस एन्वायरमेंट एंड टिकोलॉजी के अंदर एक्वाटिक इको सिस्टम हम लोग पढ़ क्या रहे हैं एक्टिक इको सिस्टम डिस्कस कर रहे हैं ठीक है इट इटव यदि हम बात करें तो इस एन्वायरमेंट एंड टिकोलॉजी में हम लोग डिस्कस जो कर रहे हैं वो है हमारा एकवाटिक इकोसिस्टम ठीक है? इसको जलीय तो को डिस्कस करने वाले है, वेटलैंड है आज हम लोग वेटलैंड इकोसिस्टम को समझेंगे के बारे में करेंगे। इसको हम लोग आद्र भूमि के नाम से समझते हैं वेटलैंड या आर्द्र भूमि देखो सबसे पहले यदि हम लोग बात करें वेटलैंड तो हमें समझना ये है कि वेटलैंड है क्या पहले तो वेटलैंड जिसको ये है, है क्या देखो वेटलैंड की हम बात करें तो वेटलैंड बेसिकली होता ये है, है समझो याटी इसकी कंडीशन को समझा जाए कि जो गहरे जल होते हैं और होते हैं उनके बीच का एक ट्रांजिशन जोन है जहां पर आपको वाटर्स जो होंगे यानी जल का भराव होगा बट तो ये जल का भराव तो समय के लिए भी हो सकता है परमानेंटली भी हो सकता है और उसमें वाटर की जो डेप्थ होगी वो करीब करीब सिक्स मीटर यानी लो टाइड के टाइम पे सिक्स मीटर से अधिक नहीं होगी ड्यूरिंग द लो टाइड उसकी डेफ्थ हो जाएगी वो सिक्स मीटर से अधिक नहीं होगी देखो वेटलैंड इकोसिस्टम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बहुत इंपॉर्टेंट होने के पीछे रीजन ये है कि ये जो है आपको ट्रांजिशनल जोन माना जाता है एक्वेटिक इकोसिस्टम का और टेरेस्ट्रियल इको का यानी जलीय और स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का यह ट्रांजिशनल जोन होता है और दोनों के ट्रांजिशनल जोन होने का अर्थ हुआ कि इसका इंपॉर्टेंस बहुत अधिक होगा क्यों क्योंकि यहां पर ट्रांजिशनल जोन होंगे टेरेस्ट्रियल का भी टेरेस्ट्रियल का भी और एक्वेटिक का भी दोनों का ट्रांजिशनल जोन है इसी वजह से यहां पे बायोडाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी बहुत ही अधिक पाई जाएगी इस रीजन में यदि हम आते हैं तो हाई बायोडाइवर्सिटी का रीजन होगा और हाई बायोडाइवर्सिटी होने का अर्थ है कि इसका इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट सॉरी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस इसका बहुत ही अधिक होगा ठीक समझ रहे हो इसको इट इज अ ट्रांजिशनल रीजंस बिटवीन द एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट और इट्स इन दिस रीजंस इट ड्रिफ्ट टू द वाटर अप्रॉक्स 6 मीटर 6 मीटर लो टाइट के टाइम पे 6 मीटर से अधिक वो नहीं होगी यानी हम इसे डेफिनेशनस को देखें वेटलैंड आर wetlands are area intermediate in character between the deep water and terrestrial habitats also transitional in the nature are often located between them these habitats experience periodic flooding from adjacent deep water habitats therefore support plant and animal species the biodiversity definition. the area of a Mars fen wetland. नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों कंडीशन में हो सकती है परमानेंट भी हो सकती है टेम्प्रोरी वाटर भी हो सकता है यहाँ पर स्टैटिक नेचर का होगा फ्लोइंग भी हो सकता है फ्रेश भी हो सकता है और Brackets भी हो सकता है सॉल्टी भी हो सकता है मराइन वाटर डेफ्थ जो होगा वो आपको लो टाइट के टाइम पर डज नॉट एक्सीड दिक्स मीटर यानी लो टाइट के टाइम पर छह मीटर से अधिक इसकी डेफ्थ नहीं हो सकती ऐसे ही रीजन को हम लोग वेटलैंड के नाम से समझते हैं यानी वेटलैंड समझ रहे हैं ठीक है देखो वेटलैंड में एक चीज हमें समझना ही है कि वेटलैंड का बेनिफिट्स क्या होता है कि वेटलैंड को देखो ना तो इसको आप देखोगे तो एक्चुअल में वेटलैंड क्या है एक ट्रांजिशनल जोन हो गया तो हम बात करें तो वेटलैंड क्या है इट्स अ ट्रांजिशनल लैंड टेरेस्टेरियल इकोसिस्टम टेरेस्टेरियल और एक्वेटिक इन बोथ के बीच का वो ट्रांजिशनल जोन है ट्रांजिशनल है और ट्रांजिशन होने की वजह से ही आपको मोर इंपॉर्टेंट बन जाता है आपको स्पीशीज के पॉइंट से या फिर वेरिएशंस बहुत ज्यादा होंगी तो बायोडावर्सिटी भी यहां पर हाई होगी क्योंकि दोनों की विशेषताएं मिल रही हैं तो ऑब्वियसली इस रीजन में बायोडायवर्सिटी भी हाई होगा ठीक है इसके बाद आप देखोगे तो यहां पर क्या होता है कि वेटलैंड में आपको वाटर का जो फ्लो होता है ना वो आपको एज कंपेयर टू द मूविंग यानी रन ऑफ जो रिवर्स होती हैं उनके सुनना में यहाँ पे वाटर फ्लो बहुत कम होता है इसीलिए फ्लड की भी पॉसिबिलिटीज होती है यहाँ पे कम होती है वेटलैंड रीजन्स में आपको फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी ऑफ फ्लड यानी दोनों आप देखोगे तो फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ फ्लड दोनों को ये कंट्रोल करता है यानी देखा जाए तो ये आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्लड फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ फ्लड बोथ के लिए ये आपको फायदेमंद होता है क्योंकि वेटलैंड रीजन में वाटर का फ्लो स्लो होता है और वाटर फ्लो स्लो होने के कारण पानी का बहाव कम होता है तो आपको बाढ़ आने की संभावनाएं भी कम कर देता है साथ साथ में वेटलैंड की विशेषता और आप देखोगे वेटलैंड बेसिकली वाटर को क्या कर रहा है स्टोर कर रहा है ना जलिये भागे पानी रुका हुआ है चाहे लेक का रीजन या कहीं पे भी तो वाटर को रोक वाटर को स्टोर करने का अर्थ हुआ कि ड्रॉट सूखे की संभावनाओं को भी ये कम करेगा ये वेटलैंड का इंपॉर्टेंस देखा जाता है पर ड्रॉट की जो पॉसिबिलिटीज है उससे भी कम कर रहा है इसके पीछे रीजन क्या है इट्स स्टोर द तो वाटर पानी को रोक रहा है और पानी को रोकने के कारण ही यहाँ पर आपको सूखे होने की संभावनाएं भी कम होती चली जाती हैं यानी सूखा होने की भी संभावनाएं बहुत ही कम होगी इस वेटलैंड रीजन में ठीक है समझ रहे हैं आप तक हम लोग इसके बाद आप समझोगे वेटलैंड के बारे में तो ऐसा समझा कि आप आपको फ्लड को भी कंट्रोल कर रहा है और ड्रॉट को भी कम कर रहा है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रीजन यानी जल की संग्रहण यानी जल प्रबंधन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र बन जाता है और यहाँ की सॉइल जो होती है ना हाइड्रोमोरफिक सॉइल होती है हाइड्रो

आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द टूरिज्म पर्पस। यानी आप पर्यटन के दृष्टिकोण से भी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में जाना जाता है यह एक महत्वपूर्ण क्षेत्र होगा यानी yani हम समझ ये रहे वेटलैंड है ये आपको बायोडावर्सिटी प्रोवाइड कर रहा है क्योंकि यहाँ पर आपको एक्वेटिक और टेरिटोरियल इको का ट्रांजिशनल रीजन बन रहा है इनके अलावा वाटर का फ्लो कम होने की वजह से यहाँ पर फ्लड की संभावनाएं कम हो जाती हैं इट मीन उसकी इंटेंसिटी और फ्रिक्वेंसी को कंट्रोल कर रहा है वाटर को स्टोर करने के कारण ड्रॉट की पॉसिबिलिटीज भी कम होती है साथ साथ में यहाँ पे सॉइल की फर्टिलिटी अच्छी होती है और ये रीजन आपको इकोलॉजिकल टूरिज्म के पॉइंट ऑफ से भी इंपॉर्टेंट बन जाता है यानी तो देखा है तो वेटलैंड का इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस भी बन जाता है यहां इस रीजन के अंदर हम लोग एक्वा एग्रीकल्चर भी कर सकते हैं वेटलैंड जो है आपको एक्वा एग्रीकल्चर्स के लिए भी रिलेटेड होगा एग्रीकल्चर्स के लिए ठीक है समझ रहे इसको देखो वेटलैंड को ना हम लोग क्रेटराइज कर सकते हैं वेटलैंड को टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं इसको हम लोग फ्रेश और सॉल्टी फ्रेश वाटर वेटलैंड में डिवाइड कर सकते हो सॉल्टी सॉल्ट में बेसिकली जो फ्रेश वाटर में देखोगे तो आपका रिवर्स है या कोई लेक हो सकता है पौंड हो सकता है टैंक हो सकते हैं इस तरह से जबकि सॉल्ट में आओगे तो एस्चुरी वगैरह हो जो होती हैं ये आपको सॉल्ट में करटराइज की जा सकती हैं ठीक है समझ रहे हम लोग देखो अब अभी तक हम लोग ने समझा कि वेटलैंड डिफिनि क्या होती है इसके की इसके बात करोगे कवर्ड तो बाई द वाटर वाटर लॉक्ड सॉइल फॉर द लिस्ट सेवन डेज ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीजन में होता है और एडोप्टेड प्लांट होंगे गया यहां पर हाइड्रोफाइड मिलेंगे अभी इसे वाटर केवेबिलिटी है तो हाइड्रोफाइड मिलेंगे हाइड्रिक सॉइल जिसको हम बोलते हैं इसमें ऑक्सीजन के कंटेंट बहुत ज्यादा नहीं होते हैं वेटलैंड को हम लोग डिवाइड करते हैं इनलैंड वेटलैंड में और कोस्टल वेटलैंड में देखो इनलैंड वेटलैंड मैनमेड और नेचुरल दोनों कंडीशन में होगी नेचुरल और मैनमेड भी होंगी ये भी आपको नेचुरल मैनमेड होंगी देखो नेचुरल वेटलैंड में आते हो तो बेसिकली जो इनलैंड वेटलैंड होते हैं हो, जो जनली वो सॉल्टी सॉरी फ्रेश वाटर होते हैं इनको हम लोग फ्रेश वाटर में डिवाइड कर सकते हैं यानी इसे हम कर सकते हैं फ्रेश वाटर वेटलैंड जबकि कोस्टल पार्ट को आओगे तो इसे हम लोग सॉल्टी वेटलैंड के नाम से समझ सकते हैं सॉल्टी वेटलैंड ठीक है देखो इनलैंड वेटलैंड जो है इन्हें हम लोग नेचुरल और मैनमेड तो नेचुरल में लेक्स और पॉन्ड्स ऑक्सबो लेक वाटर लॉक्ड रीजन कोई भी होगा सीजनली वाटर का लॉगिंग होना स्वयं से आप मार्सी रीजन हो सकते हैं जो तो मैनमेड्स के अंदर रिजर्वास टैंक्स वाटर लॉक्ड रीजन और एस पॉन्ड्स होते हैं ये आपकी मैनमेड इनलैंड वेटलैंड के एग्जाम्पल है जबकि कोस्टल वेटलैंड में आओगे जो बेसिकली सॉल्टी होते हैं तो उसमें एसचूरीज क्रीक बैक वाटर बे कोरल रिफ्स का रीजन टाइडल फ्लैट्स

ग्राउंड वाटर रिचार्ज कर रहा है क्योंकि पानी रोक रहा तो अभी ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी होंगे प्रोवाइडिंग ड्रिंकिंग वाटर भी है कंट्रोल ये कर रहा होगा ठीक है mm -hmm. इसके अलावा देखोगे स्टेबलाइजेशन ऑफ द लोकल क्लाइमेट को स्टेबलाइज भी करता ही है लोकल पीपल के लाइफ के लिए सोर्स भी प्रोवाइड कर रही है ठीक है इसके अलावा इस स्पेसिफिक डाइवर्सिटी को भी सपोर्ट करता है बट इस वेटलैंड में डिप्लेशन भी होते हैं वेटलैंड के अंदर नुकसान भी पहुंचता है तो नुकसान पहुंचाने वाले कारण क्या क्या होते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो तो वेटलैंड में डिप्लेशन में रोल प्ले करते हैं आपका है कन्वर्जन ऑफ लैंड फॉर एग्रीकल्चर्स यदि हम धीरे धीरे एग्रीकल्चर पर्पज पर से लैंड को कन्वर्स करते चले जाए तो इससे भी वेटलैंड में डिप्लेशन देखे मिलेगी ओवरग्रेजिंग ये भी एक कारण है वेटलैंड के डिप्लेशन का रिमूवल ऑफ सैंड्स फ्रॉम द बेड्स किनारे से हम लोग सैंड सब निकालते हैं ये भी कारण होता है हैबिटेट एंड तो एकवाकल्चर से यह भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पॉल्यूशन डोमेस्टिक वेट्स एग्रीकल्चरल रन ऑफ इंडस्ट्रियल और क्लाइमेटिक कंडीशन में कुछ चेंजेस होना ये सारे फैक्टर्स जो हैं आपको वेटलैंड के डिप्लेशन में रोल प्ले करते हैं रीजन डे डेप्लेशन ऑफ वेटलैंड देख लो जैसे आप फिगर में देख रहे हो कि वेटलैंड कैसा दिखता है ठीक समझ रहे तक देखो थोड़ा सा ना यहाँ पे लेक और वेटलैंड के बीच में जो डिफरेंसेस थोड़ी सी बेसिकली होती है समझने लगा ओरिजन वेरियस प्रोसेस से का हो सकता है वह जब वेटलैंड फ्लूएल जियोमार्फिक प्रोसेस से फॉर्म होती है जनरली वाटर टर्न ओवर परमानेंट होता है परमानेंट और टेम्प्रोरी वेटलैंड दोनों हो सकते हैं वेटलैंड जो हो गया टेम्प्रोरी और परमानेंट दोनों हो सकते हैं वाटर लेवल चेंज रिलेटिवली स्मॉल चेंजेस होते हैं इसमें रिलेटिवली लार्ज लेवल पर चेंज हो सकते हैं इसमें स्मॉल होगा इसमें लार्ज होगा और थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन इसमें होगा यहां पे नहीं होता वर्टिकल मिसिंग थर्मली रेगुलेटेड है और विंड रेगुलेटेड होता है ठीक है इसके अलावा डोमिनेंट प्रोड्यूसर में जनरली मिलते हैं ग्रेजिंग पाथवे पाथवे ठीक है प्रोडक्टिविटी इसकी लो होगी इसकी हाई होती है इसकी हाई होने के पीछे रीजन है कि इट्स अ ट्रांजिशनल रीजन और ट्रांजिशनल रीजन होने की वजह से इसकी जो प्रोडक्टिविटी होती है बहुत ही हाई होगी ट्रॉफिक स्टेटस दिखाया तो ट्रॉफिक से मोस्टलीफिक ठीक है बायोडाइवर्सिटी यहां पर लो होगी बट इसी रीजन में बायोडावर्सिटी बहुत ही हाई होगी नहीं लेक के कंपेयर में देखोगे तो वेटलैंड के अंदर बायोडाइवर्सिटी अधिक होती है इसलिए लेक बायो आप देखोगे वेटलैंड रीजन का इंपॉर्टेंस बहुत अधिक हो जाता है ग्राउंड वाटर रिचार्ज में इसका नेगलेजल लोड होता है वैसे लोड टू हाई हो सकता है ठीक है वेस्ट ट्रीटमेंट में लेक रोल प्ले नहीं करता बट वेस्टलैंड रोल प्ले करा होगा अब बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन स्पेसिफिक फंक्शन से यहाँ मिलेंगे ये चीज़ें कुछ डिफ्रेंसेज हैं वेटलैंड्स के अंदर और आपको लेक में ठीक है यदि हम इंडिया में वेटलैंड्स की बात करें देखो वेटलैंड का इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस तो है ही कहीं भी देखोगे तो इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस वेटलैंड का बहुत ही अधिक होता है तो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करता ही है और बायोडाइवर्सिटी होने की वजह से ये इंपॉर्टेंट रीजन बन जाते हैं इन इंडिया टोटली ट्वेंटी सेवन थाउजेंड फोर हंड्रेड थ्री वेटलैंड्स

23,440 वेटलैंड्स इनलैंड है जबकि कोस्टल रीजन में 3,959 वेटलैंड्स पाए जाते हैं ठीक है वेटलैंड्स वेटलैंड ऑकुपाई ऑफ द कंट्रीज एरिया आर द अंडर पैडी कल्टीवेश टोटल एरिया की बात करें कंट्री का तो एट्टीन एरिया को ये ऑक्युपाई करते हैं जिनमें सेवन परसेंट रीजन जो हमारा पैडी यानी धान की जो फसल होती है उसके कल्टीवेश में शामिल होता है ठीक है इंडिया में आइएगा तो हायर एल्टीट्यूड्स पर भी वेटलैंड मिलेंगे हाई एल्टीट्यूड वेटलैंड्स भी हमारे पास हमारी कंट्रीज के अंदर जो हिमालय रीजन्स के अंदर देखेंगे आपको ठीक है तो कई तरह के सेमी एयर रीजन में है वेटलैंड्स हैं हैंगन्स वेटलैंड्स वेट भी है बैक वाटर्स भी है एस्च्य भी है मैंग्रोव रीजन में भी है स्वैम्प में भी हैं कोरल रिवस के भी फॉर्म में यानी इंडिया के अंदर डिफरेंट टाइप के कई तरह के वेटलैंड्स आपको देखने को मिल सकते हैं इस मैप में आप देख रहे हो कि हर स्टेट के अंदर कितने वेटलैंड्स हैं उनका एक मैप दे रहा है देखो यहाँ पे राजस्थान के अंदर नाइनटीन गुजरात में महाराष्ट्र के अंदर आंध्रा के अंदर कुछ इम्पोर्टेंट वेटलैंड्स के बारे में है देखो एक प्रोग्राम है हमारे यहाँ नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम जिसको हम लोग बोलते हैं नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम ये आपको इंप्लीमेंट हुआ था 85, 86 सी में यानी इसकी ईयर की बात करें तो इट्स एट्टी फाइव एटी वाले जो ईयर थे उसी में इंप्लीमेंट किया तो हमारा नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम ठीक है under the programs 115 wetlands have been identified by the ministry which require urgent conservations and management it's purpose aim the of conservation of wetlands to prevent their further degradations and ensuring their wise use for the benefit of local communities and overall conservations of biodiversity Main aim is फर्दर डिग्रेडेशन से इसको कंट्रोल करना लोकल कम्युनिटीज को ओवरऑल बेनिफिट भी मिले और इनका ओवरऑल कंजर्वेशन कर बायोडावर्सिटी को मेंटेन किया जाए ऑब्जेक्टिव क्या है इस प्रोग्राम का टू ले डाउन पॉलिसी गाइडलाइंस फॉर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट वेटलैंड टू प्रोवाइड फाइनेंशियलिंग इंटेंसिव कंजर्वेश फाइनेंशियल सपोर्ट भी देना है ठीक है अब देखो एक वर्ड है रामसर कन्वेंशन जो है आपका वेटलैंड से रिलेटेड कन्वेंशन था जहां पे आपको वेटलैंड को प्रमोट करने के लिए कन्वेंशन हुआ था ठीक है देखो एक वर्ड है मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड इट्स अ मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड इज द प्रिंसिपल टूल अंडर द रामसर कन्वेक्शन इज अ रजिस्टर्ड ऑफ वेटलैंड एडवर्स adverse, adverse इफेक्ट मिल रहा है इकोलॉजिकल कैरेक्टर से उसी को रामसर साइड के अंदर शामिल वेटलैंड को इसमें शामिल किया गया जहां पर एडवर्स इफेक्ट देखने को मिल रहा है ठीक है इंडिया में बात करें तो

थॉरिटी रिसीव था रामसर वेटलैंड कन्वेक्शन अवार्ड टू थाउजेंड टू और इसी कारण देखोगे तो चिल्का डेवलपमेंट ऑथॉरिटी को रामसर वेटलैंड कन्वेक्शन अवार्ड भी दिया गया था टू थाउजेंड टू के अंदर जो वेटलैंड आए थे इंडिया के अंदर उसमें लोकतक लेख मणिपुर का मोन्टेक्स रिकॉर्ड नाइन नाइन थ्री ज द रिजल्ट ऑफ इकोलॉजिकल प्रॉब्लम सच एज डिफोरेस्टेशन इन दिसमेंट एरिया ठीक है इसके अलावा केवला देव नेशनल पार्क जो राजस्थान के अंदर है तो भी शामिल था 1990 में। ड्यू टू वाटर शॉर्टेज एंड अनबैलेंस्ड ग्रेजिंग, ग्रेजिंग ग्रेज्ञ 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 है? तो ये आपको मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड बेसिकली एडवर्स इफेक्ट को शो करने वाला कंडीशन को शो करता है ठीक है यहाँ पर आपको साइबेरियन क्रेन लोकतक लेक के अंदर आओगे केला देव घाना में टू मॉन्टेक्स रिकॉर्ड साइट इन इंडिया इस समय कौन से हैं लोकतक लेक और केला देव नेशनल पार्क जो है ये टू मॉन्टेक्स रिकॉर्ड साइट है इंडिया के अंदर कई बार पूछ लेता है क्वेश्चन आपसे कि मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में किनको रखा गया है अभी प्रेजेंट टाइम में तो चिल्का लेक था बट उसको हटा दिया गया 2002 में ही बट लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में आओगे तो लोकतक लेक मणिपुर का और केला नेशनल पार्क जो राजस्थान के भरतपुर में है वो आपको मॉन्ट्रेक्स uh, रिकॉर्ड में शामिल है गुड इवनिंग प्रियंका इसके अलावा आप देखोगे नेकनामपुर ठीक है? ये आपको फ्लोटिंग ट्रीटमेंट वेटलैंड है फ्लोटिंग ट्रीटमेंट वेटलैंड कहते हैं फ्लोटिंग ट्रीटमेंट वेटलैंड्स हैदराबाद के अंदर ठीक है वर्कस ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रो हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक्स हाइड्रोपोनिक्स परमिट्स प्लांट्स to grow on the water with the help of sunlight a floating island unit is essentially a platform designed using cytrophon bamboo aise kuch cheezon se bana it india mein yaad rakhna isko neck नेकनामपुर लेक It's अ first floating treatment wetland है इंडिया का जो आपको हैदराबाद में मिलेगा ठीक है देख सकते हैं यहां पर ये बिकरामपुर लेक की कंडीशंस ठीक है समझ यहाँ तक चलो तो आज जो टॉपिक है बेसिकली हम लोग यहीं तक डिस्कस कर रहे हैं आप मिलते हैं एक के ब्रेक के बाद नाइन पी पे दूसरी क्लास के अंदर यूट्यूब पे ही ठीक है आप अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन से लेते हो रेफरल कोड प्रवीण वणि यूज कर सकते हैं और टेलीग्राम लिंक जो है मेरा वो है अनएकेडमी अंडर स्कोर प्रवीण सिंह तो आप टेलीग्राम से यहाँ पर जुड़ सकते हैं ठीक है गाइस Okay, thank you for watching this class. Have a good day, all of you guys. Take care, bye.